डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन नाइन पॉइंटर्स के लेक्चर सेवन में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में समझेंगे जिसमें हम malloc कैलॉक रीलॉक और फ्री फंक्शन के बारे में समझेंगे वीडियो को शेयर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेलाइकन को प्रेस करें अगर आपने अब तक लेसन वन इंट्रोडक्शन टू सी लेसन टू बेसिक्स ऑफ सी लेसन थ्री अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन लेसन फोर सेलेक्शन स्टेटमेंट लेसन फाइव इटरेटिव स्टेटमेंट लेसन सिक्स एरे लेसन सेवन स्ट्रिंग्स लेसन एट फंक्शन इन सात वीडियो लेक्चर और लेसन नाइन पॉइंटर्स के लेक्चर वन पॉइंटर्स लेक्चर टू टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स लेक्चर थ्री पॉइंटर्स अर्थमैटिक्स लेक्चर फोर पॉइंटर्स एंड एरे लेक्चर फाइव कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस लेक्चर सिक्स फंक्शन पॉइंटर्स वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ या फिर आप हमारे चैनल के प्ले से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं लेक्चर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स आज के वीडियो में हम वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन के बारे में समझेंगे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन के बारे में समझेंगे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में समझेंगे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में यूज होने वाले फंक्शन के बारे में समझेंगे स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के डिफरेंस को देखेंगे एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर तो एलोकेट होता है पहला है मेमोरी लोकेशन दूसरा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर हम स्टैटिक मेमोरी लोकेशन को समझे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कंपाइलेशन के समय में एलोकेट होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइलेशन के समय ही वेरिएबल के मेमोरी का साइज फिक्स्ड हो जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साइज को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद चेंज नहीं कर सकते स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज हम तब करते हैं जब प्रोसेसिंग के पहले हमें डेटा का साइज पता होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कंपाइलेशन के समय ही एलोकेट हो जाता है अब तक हमने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया वो सभी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन थे नाउ चलिए अब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को समझते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किसी वेरिएबल को एग्जीक्यूशन टाइम में दिया गया मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में वेरिएबल के मेमोरी का साइज कंपाइल टाइम में फिक्स नहीं होता है डायनेमिक मेमोरी के साइज को हम एग्जीक्यूशन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं अगर प्रोसेसिंग से पहले डेटा का साइज़ फिक्स ना हो तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में एग्जीक्यूशन स्लो होता है क्योंकि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है नीड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी को मैनुअली एलोकेट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत होती है मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं चलिए हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के यूज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं नीड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर इसे हम समझने के लिए एक एरे का एग्जाम्पल लें जैसा कि एरे एक कलेक्शन होता है फिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट का जब भी हम एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के समय ही हम एरे के साइज को स्पेसिफाई करते हैं एक बार अगर एरे का साइज डिक्लेरेशन के समय फिक्स हो गया तो इसे हम एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट एरे वेरिएबल का नाम ए और इसका साइज हमने फाइव रखा है और इसमें हमने फाइव वैल्यू स्टोर किया है मतलब मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू कुछ इस तरह से स्टोर होगा जैसा कि यहाँ पे एरे का साइज फाइव है तो यहाँ पाँच ब्लॉक बने हैं और पांच ब्लॉक में वैल्यू स्टोर है लेटर सपोज हमें एग्जीक्यूशन के टाइम एरे के साइज को इंक्रीज करना है मतलब हमें अगर एरे में और भी वैल्यू स्टोर करना है फाइव से ज्यादा तो एग्जीक्यूशन के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरे का मेमोरी लोकेशन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है कंपाइलेशन के समय ही डिसाइड हो जाता है तो अगर हम एरे के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये रन टाइम में एग्जीक्यूशन के बाद पॉसिबल नहीं है और सी प्रोग्रामिंग में इसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं तो एरे का साइज जो हम डिक्लेरेशन के समय में यूज किए हैं कभी कभी अनियंट हो जाता है और इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम manually, यानी रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करते हैं और इसे हम सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं चलिए अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में यूज होने वाले प्रीडिफाइंड फंक्शन को समझते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के जो फंक्शन है पहला मेलॉक फंक्शन दूसरा कलॉक फंक्शन तीसरा रीअलॉक फंक्शन इन तीनों ही फंक्शन का यूज मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए किया जाता है ये सभी फंक्शन सक्सेसफुली मेमोरी मेमोरी को को एलोकेट करे तो एलोकेटेड के फर्स्ट एड्रेस रिटर्न करते हैं अदरवाइज नल रिटर्न करते हैं इन तीनों ही फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होता है और हमें इसे यूज करने से पहले टाइप कास्ट करना होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कंसर्ट में एक और फंक्शन है जो कि फोर्थ फंक्शन है फ्री फंक्शन इसका यूज एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने में मतलब डी एलोकेट करने में किया जाता है ये सभी चारों फंक्शन सी लैंग्वेज के प्री डिफाइन हेडरोफाइल एस टी और मेलॉक फंक्शन में डिक्लेर्ड है अगर हमें अपने प्रोग्राम में इनमें से किसी फंक्शन को यूज करना है तो एस टी या फिर मेलॉक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा चलिए अब हम इन सभी फंक्शन को एक एक करके समझते हैं मेलॉक फंक्शन मेलॉक फंक्शन में मेलॉक का मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है

और मेलॉक फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने साइज दो पास किया यहाँ पर टू मतलब टू बाइट मेलॉक फंक्शन एलोकेटेड मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है मतलब इसमें गार्बेज वैल्यू होता है नोट करने वाली बात यह है कि मेलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होता है और हमें इसे यूज करने से पहले करंट पॉइंटर के डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना होता है चलिए अब हम मेला फंक्शन को एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने कोडब आई डी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है डायनेमिक मेमोरी डॉट सी के नाम से और हमें यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के एग्जाम्पल को देखना है और सबसे पहले हम मेलॉक फंक्शन को देखेंगे तो मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ मैंने लिखा हैस आई एन सी एल यू डी इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच जैसा कि हमें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को फंक्शन को यूज़ करना है तो हम एस टी डी लिप डॉट एच हेडर फाइल को या फिर मेलॉक डॉट एच हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं मैं यहाँ पर एस टी डी लिप डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ मैंने लिखा इंक्लूड एस टी डी लिप डॉट एच नाव मैं मेन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ वाइट मेन और मेन फंक्शन का मैंने बॉडी स्टार्ट किया और सिंपली अगर मैं यहाँ पर इंट ए लिखूँ और उसमें टेन असाइन करूँ तो ये स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होगा मतलब ये कंपाइलेशन के समय मेमोरी लोकेशन लेगा और इसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन हमें यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को देखना है तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ इन पी टी आर नाव इसलिए ताकि वो जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा उसके एड्रेस को हम पी टी आर में स्टोर करेंगे एक्चुअली उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तक पहुँचने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ा जिससे कि हम उसके एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकें और हम उस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन तक पहुँच सकें और उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकें नाव डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करने के लिए हम यहाँ पर मेलॉक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एम ए डबल एल ओ सी मेलॉक और मेलाक फंक्शन में हमें साइज पास करना है मतलब हमें कितने बाइट का मेमोरी लोकेट करना है लेट अस सपोज हमें दो बाइट का मेमोरी लोकेशन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा टू मेलाक फंक्शन जो एड्रेस को रिटर्न करेगा वो वाइट टाइप का होगा और हमें उस एड्रेस को इंट टाइप के पॉइंटर में स्टोर करना है तो हम यहाँ पर पी जिसमें हमें एड्रेस स्टोर करना है और मेलॉक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वाइट टाइप का है तो हमें इंट में उसे कन्वर्ट करना होगा इसके लिए हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट स्टार ना ये इन टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट होगा एड्रेस और पी टी आर वेरिएबल में स्टोर होगा उसका एड्रेस ना मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लिख देता हूँ सपोज अगर किसी भी कारण से मेमोरी लोकेट नहीं हुआ तो जैसा कि हमने समझा था मेलॉक फंक्शन उस केस में नल वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें हमने लिखा अगर पी टी आर इक्वल टू नल हो जाए तो हमें एक मैसेज लिखना है प्रिंट इस प्रिंट में मैं लिख देता हूँ मेमोरी सिंपल सा मैसेज इज नॉट एलोकेटेड नाउ ये मैसेज तभी एग्जीक्यूट होगा जब पॉइंटर नल होगा ना इसके बाद हम यूजर से वो नंबर लेते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में जिस एड्रेस को पॉइंटर पीटीआर पॉइंट कर रहा है मैं प्रिंट एफ में यूजर के लिए एक मैसेज लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, न्यू लाइन के लिए मैंने स्लैसन यूज किया और यूजर के लिए मैसेज इंटर द वैल्यू नाउ अब ये जो वैल्यू होगा वो यूज़र इंटर करेगा नाउ इसके लिए हम स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे और यूजर से नंबर लेने के लिए हम परसेंट डी यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू इंटीजर टाइप का है नाउ कॉमा देकर पी टी आर वेरिएबल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पी टी आर वेरिएबल में स्टोर है इसलिए पी टी आर वेरिएबल नाउ सेमी कॉलोन और यहाँ पे हमें एड्रेस का साइन नहीं लगाना है क्योंकि पॉइंटर खुद एड्रेस को स्टोर कर रहा है उस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का नाउ उस वैल्यू को हम प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे लेसन के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैसेज वैल्यू वैल्यू इन टाइप का इसलिए हम पर्सन डी यूज करेंगे नाउ कॉमा देकर पॉइंटर जिस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को लोकेट करेगा उसके वैल्यू को शो करने के लिए हम स्टार पी टी आर यूज करेंगे चलिए इसे हम रन करके देखते हैं मैंने और रन पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे मैसेज क्या है इंटर द वैल्यू मैंने एक इंटीजर वैल्यू टेन इंटर किया ना हमें आउटपुट में क्या मिला वैल्यू टेन जैसा कि हम यूजर से इंट टाइप का वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेलॉक के अंदर अगर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करें एस आई जे डी साइज ऑफ जैसा कि साइज ऑफ ऑपरेटर डे टाइप के साइज को रिटर्न करता है और मैं यहाँ पर पैरथेटिस में इंट को पास कर रहा हूँ नाउ अब मेलाक फंक्शन में हम इंट टाइप के साइज को पास कर रहे हैं और मेलाक फंक्शन रन टाइम में इंट टाइप के साइज का मेमोरी क्रिएट करेगा और उसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे नौ हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइज ऑफ़ इंट न अब हम इसे रन करें मैंने एफ नाइन बटन प्रेस किया नौ देखिए इंटर द वैल्यू मैंने वैल्यू में इंटर किया सपोज़ ट्वेंटी ना इंटर तो इस तरह से हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करके भी डे टाइप के साइज़ को पास कर सकते हैं लेटस्ट सपोज हमें मेलाक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेट करना है तो हम मेलाक फंक्शन में यहाँ पर जितने वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करके पास करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन जैसा कि हमने यहाँ पे फाइव पास किया है तो यहाँ पे हमें फ़ाइव मेमोरी लिकेट होगा रन टाइम में अब हमें यूज़र से फाइव वैल्यू लेना है तो मैं यहाँ पर यूज़र के लिए मैं एक मैसेज लिखता हूँ इंटर द फाइव वैल्यूज़ यूज़र से हमें फ़ाइव वैल्यूज अब लेना है और हमें एक फ़ॉर लुक चलाना होगा और फॉर लुक चलाना होगा तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मैंने यहाँ कॉमर देकर आई वेरिएबल डिक्लेयर किया ना यहाँ पर हम एक फॉर लुक यूज़ करेंगे फॉर और यहाँ पर हम i को इन कर देते हैं जीरो से नाउ i लेस देन फाइव हमें फाइव वैल्यू स्टोर करना है कंडीशन में हम लिखेंगे i लेस देन फाइव नाउ i प्लस प्लस नाउ यहाँ पर हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ जैसा कि हमने पॉइंटर में समझा था अगर i को प्लस कर दे और अब हम यूजर से जो वैल्यू लेंगे मैं इसे ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ नाउ अब हम यूजर से फाइव वैल्यू ले सकते हैं और हम इसके लिए फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और इस फाइव वैल्यू को अगर हमें शो so करना है तो हम यहाँ पर यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन के बाद वैल्यूज नाउ सेमी और अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप यूज करेंगे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर और फिर से हम आई को जीरो से नहीं कर देते हैं नाउ आई लेस देन फाइव क्योंकि जीरो से लेकर फाइव तक लूप चलेगा और आई प्लस प्लस नाउ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे लेसन भी मैं हटा दे रहा हूँ और नंबर सारे सट ना जाए इसलिए स्पेस नाउ इस तरह से हम यहाँ पर यूजर से फाइव वैल्यू लेंगे और फाइव वैल्यू को हमने प्रिंट भी किया है नाउ यहाँ पर हम स्टार पी टी आर प्लस आई और यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं नाउ ये हो गया हमारा प्रिंट कंप्लीट अगर हम इसे अब रन करके देखें मैंने बिल्टन पे क्लिक किया ना यहाँ पे क्या है इंटर द फाइव वैल्यूज़ मैं यहाँ पर फाइव वैल्यू इंटर करने जा रहा हूँ मैंने इंटर किया टेन स्पेस ट्वेंटी स्पेस थर्टी स्पेस फोर्टी स्पेस फिफ्टी नाउ इंटर तो इस तरह से हमें फाइव वैल्यूज़ मिला है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम कैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को शोर करना हो तो चलिए अब हम कैलॉक फंक्शन को समझते हैं कैलॉक फंक्शन कैलॉक फंक्शन में कैलॉक का मतलब कंटिन्यूस एलोकेशन होता है इस फंक्शन का यूज मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए किया जाता है कैलॉक फंक्शन में हमें दो आर्ग्यूमेंट को पास करना होता है पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा साइज ऑफ द एलिमेंट्स अगर हम कैलॉक फंक्शन के सिंटेक्स को समझे यहाँ पर पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है और जब हम कैलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें एन एन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा और एलिमेंट का साइज हमें आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा

कैलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप भी वाइड होता है इसलिए हमें उसे यूज करने से पहले करेंट पॉइंटर के टाइप में उसे टाइपकास्ट करना होगा चलिए अब हम कैलॉक फंक्शन को एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं नाउ अगर हमें कैलॉक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट करना है जो कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होगा तो हमें सिंपली मैं यहाँ पर मेलॉक फंक्शन के जगह पे क्लॉक कर देता हूँ अब ये क्लॉक फंक्शन हो गया है और क्लॉक फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट पास करना है एक नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए और एक साइज ऑफ एलिमेंट के लिए तो मैं यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई साइन को हटा देता हूँ और कॉमा यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें दो आर्गुमेंट पास करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट और साइज ऑफ डेटा टाइप तो इस तरह से हमने क्लॉक फंक्शन को अब यूज़ कर लिया है बाकी सब कुछ सेम होगा क्योंकि हमें फाइव वैल्यू स्टोर करना है तो हमें फॉर फॉरलुप चलाना ही होगा और फाइव वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ फॉर फॉरलुप चलाना होगा ना अब बाकी सब कुछ सेम है अगर हम इसे रन करें मैंने एफ नाइन बटन प्रेस किया इंटर द फाइव वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फाइव वैल्यूज़ इंटर कर रहा हूँ मैंने इंटर किया एलेवन स्पेस ट्वेंटी टू इस्पेस थर्टी थ्री स्पेस फोर्टी फोर स्पेस फिफ्टी फाइव इंटर तो इस तरह से हमें आउटपुट मिला फाइव वैल्यूज़ एलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर फिफ्टी फाइव तो सिंपली अगर हमें मलॉक फंक्शन यूज़ करना आता है तो क्लॉक फंक्शन यूज़ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है बस हमें क्लॉक फंक्शन को कॉल करना होगा और इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करना होगा एक होगा नंबर ऑफ एलिमेंट और दूसरा होगा साइज ऑफ डेटा टाइप तो इस तरह से हमने क्लॉक फंक्शन देखा चलिए अब हम रिलॉक फंक्शन को समझते हैं रिलॉक फंक्शन रिलॉक फंक्शन में रिलॉक का मतलब री एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है इस फंक्शन का यूज मेमोरी को री एलोकेट करने के लिए किया जाता है मतलब पहले से एलोकेटेड मेमोरी का साइज को चेंज करना और न्यू साइज में बदलने के लिए किया जाता है रिलॉक फंक्शन में हमें दो आर्गूमेंट को पास करना होता है पहला एग्जिस्टिंग मेमोरी का पॉइंटर और दूसरा मेमोरी को री एलोकेट करने का नया साइज इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह से होता है पॉइंटर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर विद इन डबल कोड टाइप कास्ट और रिलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे और यहां पर हम पीटीआर जो कि एग्जिस्टिंग मेमोरी का पॉइंटर वेरिएबल है और हम न्यू साइज को पास करेंगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इंट एस्ट्रिक पीटीआर ये पॉइंटर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर और हम इंट टाइप कास्ट करेंगे रिलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे और विद इन पैंथेस पीटीआर और साइज में हमने ट्वेंटी रखा तो हमने रीलॉक फंक्शन को कॉल किया है और ये पीटीआर एग्जिस्टिंग मेमोरी का पॉइंटर है और साइज जो हम साइज चेंज करना चाहते हैं न्यू साइज वो ट्वेंटी ध्यान दीजिएगा रिलॉक फंक्शन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमने पहले से मेमोरी को मेलॉक और कैलॉक फंक्शन से एलोकेट किया है एलोकेटेड मेमोरी के साइज को ही हम चेंज कर सकते हैं इसलिए हमें पहले मेलॉक और कैलॉक से मेमोरी को एलोकेट करना होगा देन आफ्टर हम रिलॉक फंक्शन को यूज करेंगे नोट करने वाली बात यह है कि रिलॉक फंक्शन भी व्हाइट टाइप को रिटर्न करता है इसलिए उसे हमें टाइप कास्ट करना होगा करंट पॉइंटर के डेटा टाइप में चलिए अब हम रिलॉक फंक्शन के एग्जाम्पल को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जैसा कि हमने अभी मे और के फंक्शन को देखा और अब हम रिलॉक फंक्शन को देखने जा रहे हैं मैंने उसके लिए एक दूसरा फाइल बना दिया है और उसे सेव भी कर दिया है रिलॉक डॉट सी के नाम से और इसमें एस टी डी एड डॉट एच और एस टी डी लीप डॉट एच हटर फाइल को इंक्लूड किया मेन फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें हम रिलॉक फंक्शन को देखेंगे रिलॉक फंक्शन का यूज रीअलोकेट करने के लिए मेमोरी को यूज किया जाता है मैं यहाँ पर कैर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ कैर एस्ट्रिक एस टी आर मैंने पॉइंटर का नाम एस टी आर रखा है नाउ यहाँ पर सबसे पहले मेलाक फंक्शन यूज करेंगे और उस मेलाक फंक्शन में जितना हमने साइज दिया है उसको रिलॉक फंक्शन से बाद में चेंज करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेलाक फंक्शन यूज कर रहा हूँ एम ए डबल एल ओ सी मेलॉक जैसा कि मैंने आपको बताया और यहाँ पर साइज मैं यहाँ पर टेन अभी साइज टेन बाइट का यूज़ कर रहा हूँ मतलब हम इसमें टेन कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं नाउ कैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसके एड्रेस को हम एस में स्टोर करेंगे और वो जो रिटर्न करेगा वाइट टाइप का होगा तो उसे हम टाइप कास्ट करेंगे कैर टाइप में विद इन पैरंथेथिस कैर एस्ट्रिक तो इस तरह मे फंक्शन टेन बाइट का मेमोरी लोकेट करेगा जिसके एड्रेस को हमने पॉइंटर एस में स्टोर किया नाउ अगर मेमोरी लोकेट नहीं होता है तो इसके लिए हम एक इफ कंडीशन लगा देते हैं अगर एस इक्वल टू नल अगर एस नल के इक्वल होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगा और हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे मैंने लिखा प्रिंट और यूजर के लिए एक मैसेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेमोरी नॉट एलोकेटेड नाउ ऐसा हमने पहले भी किया था नो अब यहाँ पर हम एस टी आर सी पी वाई फंक्शन यूज कर रहे हैं और एस टी आर सी पी वाई फंक्शन में हम एस टी आर जो स्ट्रिंग है उसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर करने जा रहे हैं जो कि टेन बाइट से कम होगा मतलब टेन कैरेक्टर से कम विद इन डबल कोटेशन हम यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देते हैं मैंने लिखा सी ओ एन सी पी टी लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ और सेमीकोलोन जैसा कि यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट विद इन टेन कैरेक्टर का है तो ये एस टी आर वेरेबल में स्टोर हो जाएगा लेकिन अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को स्टोर करना चाहते हैं तो क्योंकि टेन बाइट का है ये पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट एफ से इसे प्रिंट कर देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन के बाद एस टी आर को हमें शो करना है एस टी आर कोलोन परसेंट एस क्योंकि हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है एस टी आर ना कॉमा देकर वेरिएबल का नाम एस टी आर ना सेमी कॉलोन अभी हम इसे रन करके देखें मैंने यहाँ पे बिल्ट और रन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए आउटपुट में हमें क्या मिला एस टी आर जिसमें हमने कॉन्सेप्ट स्टोर किया नाउ अब हम जो मे फंक्शन से टेन बाइट का हमने साइज एलोकेट किया था अब हम उसे ट्वेंटी बाइट का करना चाहते हैं और इसके लिए हम रिलॉक फंक्शन को यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर रीलॉक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैंने लिखा रीलॉक और इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे पहला जो पॉइंटर टाइप का होगा और ये पॉइंटर एस टी आर है जो हमने अभी बनाया और दूसरा साइज जो हमें इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है मैं यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ और मैंने लिखा साइज ट्वेंटी नाउ रिलॉक फंक्शन भी जो रिटर्न करता है वो वाइट टाइप का होता है तो हम यहाँ पर एस टी आर में उसका एड्रेस स्टोर स्टोर करेंगे लेकिन सबसे पहले टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पर टाइप कास्ट करने के लिए हम कैर और एसटेक यूज करेंगे विद इन पैरें ये एस टी आर पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था उसका साइज टेन था अब वो बढ़कर ट्वेंटी हो जाएगा ना अब हम इसमें एस टी आर सी पी वाई फंक्शन को फिर से यूज कर रहे हैं और इस बार एस टी आर में हम स्टोर करना चाहते हैं डबल कोटेशन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक नाउ इस तरह से अब हम मोर देन टेन कैरेक्टर कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक मोर देन टेन कैरेक्टर का है हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में से स्टोर किया नाउ अब मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर मैंने मैसेज लिखा विद इन डबल कोटेशन लेसन के बाद मैंने लिखा एस टी आर परसेंट एस क्योंकि हम HDR को प्रिंट करने जा रहे हैं नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम पॉइंटर वेरिएबल का वेरिए आर ना सेमिकॉलोन नाउ अब हम इसे रन करें मैंने F9 प्रेस किया तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला पहले एस टी आर का साइज टेंड था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट स्टोर किया था ना उसका साइज हमने बढ़ाकर रिलॉक से ट्वेंटी किया अब हमने उसमें कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को स्टोर किया तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम रिलॉक फंक्शन को यूज करेंगे चलिए अब हम फ्री फंक्शन को समझते हैं फ्री फंक्शन फ्री फंक्शन का यूज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मेमोरी ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाता है कंपाइलर द्वारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमें एक्सप्लीसिटली मेमोरी को डीएलोकेट करना होता है इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे और हम पॉइंटर वेरिएबल को पास करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने फ्री फंक्शन को कॉल किया और विद इन पैरथेटिस पॉइंटर वेरिएबल को पास किया यहाँ पर पी टी आर एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस स्टोर है अगर हम मेमोरी को डीएलोकेट ना करें तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में मेमोरी के फुल हो जाने से मेमोरी एरर आ सकता है चलिए हम फ्री फंक्शन को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जैसा कि हम यहाँ पर फ्री फंक्शन को देखने जा रहे हैं फ्री फंक्शन मेमोरी को डीएलोकेट करता है बहुत ही सिंपल है हमें फ्री फंक्शन को कॉल करना है एफ आर डबल फ्री और विद इन पैरेंथेस हमें उस पॉइंटर वेरिएबल को पास करना है जो पॉइंटर वेरिएबल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर एस वो पॉइंटर वेरिएबल है जैसा कि हमने भी बनाया था नम एस टी को यहाँ पास करेंगे न यहाँ पर प्री फंक्शन एस पॉइंटर जिस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसे डी एलोकेट करेगा चलिए इसे हम रन करके देखते हैं मैंने एफ प्रेस किया देखिए यहाँ पे आपको कुछ पता तो नहीं चलेगा ये एक इंटरनल मैकेनिज़्म है बट यहाँ पे मेमोरी डी एलोकेट होगा न अगर हम इस प्रोग्राम में जो अभी हमने बनाया था इसमें भी अगर फ्री फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ आर डब्ल्यू फ्री और विद इन परंथ पॉइंटर वेरिएबल का नाम पी टी आर ना सेमिकोलोन तो इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल का मेमोरी डीएलोकेट होगा तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे इसके लिए हम मेलाक कैलॉक रीलॉक और फ्री फंक्शन को यूज करेंगे फ्री फंक्शन बेसिकली मेमोरी को डीएलोकेट करेगा चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं चलिए अब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के डिफरेंस को समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन लेफ्ट साइड में हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे और राइट right साइड में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे पहला है वेरिएबल को कंपाइलेशन के समय में दिया गया मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है जबकि वेरिएबल को एग्जीक्यूशन टाइम में दिया गया मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है दूसरा है स्टैटिक मेमोरी के साइज को एग्जीक्यूशन के समय में चेंज नहीं किया जा सकता है जबकि डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी के साइज को एग्जीक्यूशन के समय चेंज किया जा सकता है तीसरा पॉइंट है अगर प्रोसेसिंग से पहले हमें डेटा का साइज फिक्स्ड हो तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करेंगे और अगर हमें प्रोसेसिंग से पहले डेटा का साइज फिक्स ना हो तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करेंगे चौथा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि उसे ऑलरेडी कंपाइलेशन के समय ही मेमोरी मिल जाता है लेकिन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का एग्जीक्यूशन स्लो होता है क्योंकि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट होता है नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न वैल्यू इफ मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड सक्सेसफुली बाय मेलॉक कैलॉक और रिलॉक फंक्शन मतलब आपको बताना है अगर मेलॉक कैलॉक और रिलॉक फंक्शन द्वारा सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट ना हो तो रिटर्न वैल्यू हमें क्या मिलेगा आपके ऑप्शन है ए एड्रेस बी नल वैल्यू C, void, D, negative value. आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइस भी दिया जाएगा और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाए क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो वेल और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके थैंक यू एंड टेक केयर